Hello everyone, uh, this is the module 2, lecture number 2, okay, in design of concrete structures KCE 601. Uh, in the previous lecture, we have uh, discussed about the behavior of shear in the beam, RC beam. Now, we have uh, designed the shear strength of the beam, okay. So, first of all, let me introduce to myself, myself, Indra Kumar Singh. Faculty of Civil Engineering Department BVD NIT Lucknow okay. so design of concrete structure in which kce601 subject code and uh, we uh, come here module second lecture number 2 and design of shear strength of reinforced concrete before we uh, uh, going to the next uh, topic in this i want to tell you something that in the uh, i s code which is given a nominal shear stress that is denoted by the tau v okay. first of all uh, if we discuss about the working stress method or what is the formula of shear stress uh, means if we want to explain then this हेयर वी डिस्कस अबाउट द कि ये जो हमारा कर्व बन रहा था इसके कारण जो सीयर स्ट्रेसेस आ रही थी वो सियर स्ट्रेसेस आपकी क्या थी वो आपकी होती थी जे डी वी जे डी ओके वहाँ पर जो वी जे डी था ये हमारा लीवर आर्म जे डी हो जाता था अगर कोई बीम का क्रॉस सेक्शन है कट किया जाए आगे बनाते हैं क्रॉस सेक्शन आपका यहाँ पर तो देखिए अगर क्रॉस सेक्शन हम एक बीम का कट करके लाएँ तो हमको पता है कि यहां पर एक कंप्रेशन होगा और एक टेंशन इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लीवर आर्म होती है ठीक है तो इनके कारण जो फार्मूला बना था वो आपका था जो आपका फार्मूला आपको बताए हम ये वी अपान बी जे डी आप देखेंगे कुछ बुक में लेकिन जब आई एस ने कहा कि ये हम ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए एक ब्लॉक बना लेंगे दिस इज द आपका एक्चुअल एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ये वाला आपका एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और ये आपका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन था ठीक है तो इसमें से डिनोट कर रहे हैं तब फिर हमारा फार्मूला बन जाता है इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी ठीक है ये आई एस कोड ने आपको बताया है तो ये वाला फार्मूला है इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी ठीक है ये क्या है सीयर फोर्स ड्यू टू द डिजाइन लोड जितना भी वीम में वो बी होता है और वी क्या है विथ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम और विथ ऑफ वेव वी डब्ल्यू फॉर द फ्लैज बीम अगर कहीं पे दी गई तो ये भी हम वेव की रखेंगे वेरी द डी इज द इफेक्टिव डेप्थ अगर ये कह रहे हैं कि जो बीम अगर आपकी वेरी कर रही हो इन डेप्थ में अगर बीम कुछ ऐसे बनी हो टेपर टाइप में वेरी कर रही है इसकी डेप्थ तब जो फार्मूला आप यूज करोगे वो आपका ये हो जाएगा वी यू अपान वी डी तो सेम रहेगा प्लस माइनस ऊपर हो जाएगा एम यू अपन टी टेन वीटा ठीक है कितना वेरी कर रहा है उसके बेसिस पे ये फार्मूला हो जाएगा इस फार्मूले में आप देख सकते हो कि टी ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी सेम जो पहले थी बेंडिंग मूवमेंट एट द सेक्शन वहाँ पे होगा एंगल बिटवीन टॉप एंड द बॉटम एज जो भी रहेगा आपका ठीक है और साइन पॉजिटिव निगेटिव ले लेंगे हम लोग ठीक है तो अब आपका जो है कि डिजाइन ऑफ सीयर स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट हमने ये देख लिया कि अगर हमारी कोई बीम में जो हमारी सीअर में फेलर कर रही थी ये बीम है और इसमें अगर क्रैक्स आ रहे हैं ठीक है अगर ये क्रैक्स आ रहे हैं आपके तो इनको इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कुछ ऐसे स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे ठीक है ये स्टीरफ्स वर्टिकल हो सकती है और इंक्लाइन भी हो सकती है तो इन स्टीरफ्स को प्रोवाइड करने के लिए हम इनकी सीयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे और वो देखेंगे कि हमारा आई कोड क्या कहता है और कितना हम कैलकुलेट करते हैं उसके बेसिस पे क्या क्या क्राइटेरियाज हैं रिसेंटली लेबोरेटरीज एक्सपेरिमेंट कन्फर्म दैट रेनफोर्स कंक्रीट इन बीम हैज सीर स्ट्रेंथ इवन विदाउट एनी सीयर इनफोर्समेंट क्या कह रहे हैं कि जो सीयर स्ट्रेंथ होती है अगर हम सीयर एनफोर्समेंट ना प्रोवाइड कराएं ई वाली स्टीरप तब भी कुछ ना कुछ सीअर स्ट्रेंथ बीम में होती है ठीक है ऐसा कि नहीं बिल्कुल नहीं होती है होती है आपकी लेकिन कुछ ऐसी जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तब फिर हमको एन्फोर्समेंट प्रोवाइड करानी पड़ती उन्हें तो जो वो सीयर स्ट्रेंथ जो होती है जब हम सीयर एनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कराते बीम में तब भी होती है सीयर स्ट्रेंथ क्योंकि वहाँ पर कंक्रीट तो है ही है ओके और हमने टेंशन uh, के लिए इन्फोर्समेंट भी प्रोवाइड किए हैं। तो वो जो सीयर स्ट्रेंथ होती है वो सी होती है ठीक है जब कोई सीयर इन्फोर्समेंट की बात कर रहा नहीं प्रोवाइड कराए, है बीम के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है तो वो सीयर स्ट्रेंथ सी जो कि डिपेंड किस पे करती है वो डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन बीम दो चीज याद रखिएगा कि अगर हमने सीयर एनफोर्समेंट जो वर्टिकल इनक्राइस स्टीरअप हैं वो नहीं प्रोवाइड की उससे पहले भी कुछ सीयर स्ट्रेंथ आपकी बीम में होती है ठीक है वो सीयर स्ट्रेंथ अगर टाउसी है तो वो किस पे डिपेंड करेगी आपकी कि हमें ये ना डिवाइड प्रोवाइड करना पड़े तो वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट की एम ट्वेंटी है एम थर्टी है ठीक है और जो परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील जो हम प्रोवाइड किए होंगे उस पर डिपेंड करती है दो चीज़ों पर ठीक है अभी हम देखेंगे कि ये टाउसी कैसे आप निकालोगे तो ये जो टाउसी सी है आपका जो सीयर स्ट्रेंथ है आपकी ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है और दोनों के लिए आपको आई एस कोड ने दी गई है वैल्यू किस ग्रेड के लिए एम ट्वेंटी एम थर्टी किसके लिए कितने परसेंटेज ऑफ स्टील जो प्रोवाइड की गई टेंशन में उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू आप लिखोगे ऑन द अदर हैंड दीयर स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट विद द रेनफोर्समेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम मैक्सिमम वैल्यू टाउसी मैक्स डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप देखिए दूसरी दो बातें समझिएगा एक तो हो गई टाउसी ये टाउसी है ठीक है और दूसरा आपको मिल गया है टाउसी मैक्स दो चीजें ठीक है दोनों चीजों को समझिए ध्यान से कि जब हम उसमें रेनफोर्समेंट चेक कर रहे हैं कोई भी बीम को चेक कर रहे हैं कि उसमें सीयर स्ट्रेंथ क्या है ठीक है हम जो डिजाइन करने जा रहे हैं सीयर स्ट्रेंथ पे रेनफोर्समेंट पे तो वो जो डिजाइन बीम करोगे वो टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स ठीक है इन दोनों के बीच में ही हमको डिजाइन करना है मतलब ये हुआ कि टाउ सी जो है ये मिनिमम हो गई इतनी तो हमारी विदाउट सीयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कराए ही टाउसी गिवर रहते आए उसमें किस पे डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील जो कि बीम में अगर हमने कोई ये बीम है और यहाँ पर जो हम प्रोवाइड कराते हैं टेंशन जोन में ठीक है दूसरा हमारा हो गया टाउसी मैक्स जो मैक्सिमम कितनी क्राइटेरिया आपको दी गई है वो आपको याद रखनी है इससे ज़्यादा हमारी जो रहेगी इस मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस जो रहेगी वो इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए किसी बीम में ठीक है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो मतलब इन दोनों के बीच में ही कहीं रहना है ये दो चीजों पर डिपेंड करती है और ये केवल और केवल ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है दोनों की वैल्यू आपको आई एस टेबल में गिवन रहेंगी मतलब ये हुआ कि जो हमने अपनी टाउ सी की बात की थी सॉरी टाउ वी नॉमिनल सी बस ये वैल्यू फाइंड करनी है और इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए वी अपान वी डी का फार्मूला आपको दिया गया था

वो किन दो चीजों पे डिपेंड करती है एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट और दूसरा ए एस लिखा, लिखा क्या होगा उसमें जो हमारी एनफोर्समेंट प्रोवाइड की है उनकी क्रॉस सेक्शन एरिया और बी भी डी भीम की क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हंड्रेड तो ये दोनों चीजों के बेसिस पर ग्रेड और ये ये क्या है हमारी टाउसी विदाउट सीयर रेनफोर्समेंट जब नहीं प्रोवाइड की तो उस समय जो हमारी सीयर की जो स्ट्रेंथ रही होगी वो डिजाइन सियर स्ट्रेंथ बीम की है ठीक है ये मिनिमम रहती ही रहती है ठीक है तो ये जो रहेगी आप इनके बेसिस पर टेबल से देख सकते हो एम ट्वेंटी के लिए कितनी होगी एम ट्वेंटी फाइव एम थर्टी एम थर्टी फाइव और एम फोर्टी से above. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने परसेंटेज ऑफ जो उसका निकाला है रेनफोर्समेंट का वो आपका निकल कर आया हंड्रेड एस अपान बी डी फार्मूले से ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको अगर ये मिल गया है 1.25 ठीक है और ग्रेड आपको दी गई है एम थर्टी तो अब आप जाइए एम थर्टी वाले कॉलम में और ये चेक कीजिए 1.25 ये 0.7 मतलब सेवन मतलब इक्वल टू आ गया 0.71 पॉइंट यहाँ से आप लिख सकते हो ये टेबल में गिवन रहेगा ठीक है टेबल से ही रहेगा आपका तो टाउसी निकाल आया दूसरी चीज जो मैंने बताई आपको वो सी मैक्स बताई है तो टाउसी मैक्स कैसे निकालोगे मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस जो रहेगी यूनिट न्यूटन पर होती है तो वो केवल और केवल ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है हैंस वी कैन टेक ओनली द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड टाउसी मैक्स वैल्यू क्या होती है ये हमारा आई एस कोड फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड का है ओके okay? तो आपको पता होना चाहिए बिना कोड के आप इसमें कुछ नहीं कर सकते और कोड आपके एग्जाम में अलाउ रहता है है ठीक तो सारी चीजें से देख सकते हो एक बार उसको रिवाइज कर लोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये सब डिजाइन करने में तो यहां पर देखिए टाउसी मैक्स की वैल्यू अगर एम थर्टी देखें तो थ्री पॉइंट फाइव हो गया तो आपको दो चीजें मिल गई हैं टाउ सी कितना आया था आपका 0.71 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर किसके लिए एम थर्टी के लिए और टाओ सी मैक्स कितना आ गया है 3.5 अब हमको जो टाओ वी निकालना है जिसके लिए डिज़ाइन करनी है चीज़ें इन्हीं दोनों के बीच में चलेंगी ठीक है अब देखते हैं इसके बारे में क्या होता है तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी ये टेबल आपको ध्यान रखनी है टाउ सी मैक्स की और ये ध्यान रखनी है टाउसी की जब हम सीयर एनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करा रहे थे तो परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट के बेसिस पे ये सारी वैल्यूज़ आपकी हैं अच्छा अब ये बात आ रही होगी दिमाग में कि अगर सर जैसे मान लीजिए वन पॉइंट वन फाइव आ जाए तब क्या करोगे तब आप क्या करोगे तब आप इन दोनों वैल्यू से वैल्यू निकालोगे ठीक है प्रोपोर्शनलिटी वाला लगाकर और वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है दो चीज़ें हो गई अब बात यह आई क्रिटिकल सेक्शन फॉर सीअर तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे किसी भी बीम में रहेगा सीअर के लिए कि एक ऐसा सेक्शन जो क्रिटिकल कंसीडर किया जाए वहाँ से हम शुरू करेंगे वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे क्रिटिकल में तो वो ध्यान रखिए कि अगर हमारी कोई भी दी गई है ये देखिए ये भी, आपको दी गई है बीम तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे सपोर्ट होता है वहीं पर क्रिटिकल सेक्शन होता है अब ये सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड है आपकी बीम ठीक है सपोर्ट कंडीशन फॉर फैक्टर सीयर फोर्स तो देखिए ये जो डी है हमारी डिस्टेंस डी क्या है हमारी डेफ्थ ऑफ द बीम जो होती है उतने जो सपोर्ट से वहाँ तक जो सेक्शन होगा उस सेक्शन को हम लोग क्रिटिकल सेक्शन बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम में ठीक है इसी तरीके से आप इस वाली देखिए ये हमारे कोई कॉलम होगा ये बीम दी गई है तो इसमें दोनों साइड में आपको ये देखो डी डिस्टेंस तक सपोर्ट से दिया रहता है वो सेक्शन हम क्या कंसिडर करते हैं क्रिटिकल सेक्शन कंसिडर करते हैं वहीं से हम इनफोर्समेंट सारी प्रोवाइड कराना शुरू कर देते हैं देखिए क्रिटिकल सेक्शन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन पे डिपेंड करता है ये पे होता है ये तो आप समझ गए हो सिंपली सपोर्टेड बीम में जितनी डेप्थ होगी उतनी डीपर देखना है कि वेन द रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड सीयर इंट्रोड्यूस टेंट टू द एंड रीजन ऑफ द मेंबर दीयर फोर्स इज टू बी कंप्यूटेड एट द फेस ऑफ द सपोर्ट ऑफ द मेंबर एट दैट सेक्शन मतलब ये कह रहे हैं कि जब कभी भी कोई भी हमारी बीम वहाँ पर जब टेंशन उसमें इंट्रोड्यूस होगा किसी भी रीजन में एंड में तो वहाँ पर सीयर फोर्स जो होता है वो हम यहीं पे कैलकुलेट करते हैं कहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन पे ठीक है तो जो क्रिटिकल सेक्शन पे पर फोर्स कंसीडर करेंगे उसी को फिर हम रखकर सारा डिजाइन कर देते हैं ताकि कितनी इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करानी है तो जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वहीं पे अगर आप इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करा दोगे तो भी हमारी सेफ रहेगी तो उसी को बेसिस पे हम मानकर क्रिटिकल्स को करते हैं दूसरी कंडीशन वेन द रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड सियर मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए जो पहले वाले डायग्राम में था ये देखिए ये ऊपर की तरफ तो डायरेक्शन में गया लोड आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ठीक है तो बिल्कुल सपोर्ट पे ही बिल्कुल सपोर्ट पे ही हमने क्रिटिकल सेक्शन ले लिया इसमें क्या है इसमें आपका लोड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है और यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्सेस आपके जो रह होंगे वो आपके इस पर रहेंगे तो वो फिर क्या होगा इसमें ये देखो ये लिया सीयर फोर्स ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा जितनी डेप्थ भी होती उतनी डिस्टेंस पर हम क्रिटिकल सेक्शन कट करते हैं ठीक है तो वही दो इन्होंने लिखे हैं कि एक बिल्कुल सपोर्ट पर क्रिटिकल सेक्शन ले लेते हैं और दूसरा कहाँ पे लेते हैं डी डिस्टेंस पर हम उसको मानते हैं और फिर वहाँ का जो सीयर फोर्स कैलकुलेट करोगे आप उस सीयर फोर्स को रखकर आप सारे डिजाइन करोगे ठीक है तो वेन द रिएक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड कंप्रेशन इन टू द एंड रीजन ऑफ द सीयर फोर्स कंप्यूटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ फेस ऑफ सपोर्ट इज टू यूज फॉर द डिजाइन ऑफ सेक्शन लोकेटेड डिस्टेंस लेस देन डी फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट ठीक है दो कंडीशन है वो बता दें आपको अब बात आई है कि इनहेंस्ड सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन क्लोज टू सपोर्ट ये किया गया है कि हम जब वहाँ पे सपोर्ट पर हमने मेन जो रेनफोर्समेंट थी ठीक है उसके बाद में हमने सीयर रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड कराई उनकी जो हमने डिजाइनिंग की है टाउ बी से टाउ सी टाउ सी मैक्स की वैल्यू टेबल से देख कर सारी चीज़ें तो उसके बाद में क्या होता है कि हम थोड़ा वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि उनमें जो सीयर स्ट्रेंथ बढ़ सकती है या बढ़ा सकते हैं ठीक है सपोर्ट के पास में क्रिटिकल सेक्शन के कारण तो वो क्यों होती है और कैसे होती है एक्स्ट्रा तो नहीं है या कम है तो वो चीजें आपको इसमें पता चलेंगी कैसे होगी कि देखिए ये हमारा फेलर प्लेन है यहाँ पर ठीक है और ये क्रिटिकल सेक्शन आपका सीयर फेल नियर द सपोर्ट है कि यहां से हमारा ये पूरा बनाया गया है तो ये जो ए वाई है इतनी डिस्टेंस तक हमारा जो फेलुअर प्लेन रहेगा इज नॉर्मली इंक्लाइन एट एंगल थर्टी डिग्री टू द हॉरिजेंटल ठीक है हाउ एवर इन समुशन द एंगल ऑफ फेलर इज मोर स्टीफ आई दर ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द फेल्यूअर सेक्शन क्लोज टू सपोर्ट और सम अदर रीजन्स ये कह रहे हैं कि जो फेलर प्लेन होता है वो आपका नॉर्मली जो इंक्लाइन होता है वो 30 डिग्री का होता है हॉरिजेंटल के साथ में ये वाला ठीक है और तो अब देखिए यहाँ पर कि जो इन्हेंस ईर स्ट्रेंथ होती है वो कितनी हम प्रोवाइड करा सकते हैं दैट इज़ टू इक्वल टू डी टाउ सी और अपान ए वी वे क्या है डिस्टेंस ऑफ सेक्शन फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट जो हमने यहां पर बताई थी कि सपोर्ट से उस क्रिटिकल जहां पे आप सेक्शन कट कर रहे हो क्रिटिकल सेक्शन ये वाली डिस्टेंस जहां पर ये ध्यान से देखिए ठीक है, है? समझ गयो जो हमारा फेलर हो रहा होगा सीयर फेल तो उसके कारण जिस पॉइंट पर ये जाकर मिल रहा होगा तो यहाँ से हम जो सेक्शन कट करेंगे ये डिस्टेंस जो होती है वो ए वी डिस्टेंस है तो इससे हम क्या निकालेंगे इनहेंसमेंट ऑफ सीयर स्ट्रेंथ करेंगे तो उसमें कितनी एनहेंस करेंगे तो जो टाउस सी था आपका ओके जो कि हमारा जब रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कराते थे वहां से वैल्यू आ जाती थी कि इतनी हमारी स्ट्रेंथ उसमें मान लेते थे तो वही हम स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेंगे अब तो इसके लिए हम क्या करें इफेक्टिव डेफ्टी डिजाइन सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिफोर द एनहेंसमेंट जो थी टाउस सी जब इन्हेंसमेंट नहीं किए और ए बी क्या है हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ सेक्शन फ्रॉम द फेस तो ये फार्मूला याद रखिएगा टू इन्हेंसमेंट स्ट्रेंथ क्या होती है बीम की वो टू डी टाउसी अपॉन ए बी होता है ठीक है अब बात यह आई है कि जो हम वहाँ पर इन्फोर्समेंट वर्टिकल या इंक्लाइन जो स्टीरअ्स प्रोवाइड कराएंगे वो मिनिमम कितनी प्रोवाइड कराएंगे ठीक है समझिए बात को देखिए अभी तक आप क्या समझ चुके हो कि कोई बीम है बीम में जब हमने लोड लगाया तो उसके कारण क्या हुआ बेंडिंग फोर्स जनरेट तो हुआ वहां पे वो बेंडिंग आपका क्या होगा बेंडिंग फोर्स जो होंगे आपके बेंडिंग मोमेंट बैरी करेगा सेक्शन पे उसके कारण क्या होता है वहां पे सीएर जनरेट होता है तो सीयर फोर्सेज इतने होंगे अब उनके कारण जो हमारा क्या होगा कि जो भी वहां पर बीम में स्ट्रेसेस आएंगी आपकी ठीक है तो जो उनकी स्ट्रेसेस आएंगी चाहे बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी उनको फ्लेक्ज स्ट्रेसेस बोलोगे और सीयर स्ट्रेसेस होंगी तो वो सीयर स्ट्रेसेस सपोर्ट पे होंगी ठीक है तो उनके कार जो क्रैक्स आएंगे तो हमने देखे कि डायग्नल क्रैक्स भी बोलते हैं जो सपोर्ट पे रहते हैं वर्टिकल क्रैक्स जो कि बिल्कुल जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है अब उन जो हमारा मान लीजिए सपोर्ट पे ले डायगनल सीयर तो हमको क्या होगा जो सीयर क्रैक्स आ रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करानी है अब वो तो पूरी बीम में आएंगी ठीक है तो अब हमको ये देखना है कि जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे उनका कितना डायमीटर होना चाहिए कितनी रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करा सकते हैं कितनी कम कितनी ज़्यादा स्पेसिंग कितनी बीच में होनी चाहिए ये सारी चीज़ें आई कोड ने बताई हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं कि उसमें देखते हैं कि जब वो सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हो तो कितनी क्रिटिकल जो सीयर स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम वो कितनी होती है वो ग्रेड आप कंक्रीट पर डिपेंड करता है कि कौन सी आप कंक्रीट प्रोवाइड करा रहे हो उसके बेसिस पर वो हम डाल सकते हैं उसमें सीयर एनफोर्समेंट ओके और जब सीयर इन्फोज नहीं प्रोवाइड करते हो, तब भी थोड़ी बहुत तो सीयर स्ट्रेंथ होती है तो वो सीयर स्ट्रेंथ क्या होती है वो आपकी उसमें गिवन रहती है वो डिपेंड करती है जो परसेंटेज आप स्टील उसमें पहले से आप प्रोवाइड कराए हुए होते हो और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दोनों के बेसिस पे तो दोनों टेबल पता चल गई उसके बाद हमने देखा है कि चलिए ठीक जो हम टाउ वी कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल सीयर स्ट्रेंथ जो कि बीम का हमने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था तो उसमें हमने थोड़ा पैराबोलिक था उसको हमने क्या मान लिया नॉर्म एवरेज मान लिया था तो वहाँ पे टाव भी जो हमारा फाइबर पे मिल रहा था उसका फार्मूला था वी वी अपान वी डी अब वो वी यू अपान वी डी ठीक है वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे अब बात हमको ये मिल गई कि स्ट्रेस मिल गई वहाँ पर ठीक है कौन सी जो हमारी कोई भी इन्फोर्समेंट वहाँ से स्ट्रेस प्रोवाइड कराएंगे अब उसमें अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे हमको सीयर स्ट्रेंथ का फार्मूला मिल जाएगा एरिया का मिल जाएगा वो फोर्स का मिल जाएगा ठीक है वो हम प्रोवाइड कराएंगे बात याद है कि कितनी मिनिमम सीयर एन्फोर्समेंट आप प्रोवाइड करा सकते हो सीयर में ठीक है मेन क्या है कि सीयर में कितनी मिनिमम प्रोवाइड करा सकते हो तो वो मिनिमम पहला पॉइंट याद रखिए मिनिमम में कि मिनिमम सीयर एन्फोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स बाया तो हम वही कर रहे हैं कि कैसे प्रोवाइड कराते हो देखो इस तरीके से होती है जैसे अगर क्रॉस सेक्शन बनाए हम तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ठीक है ऐसे लाते हो और यहाँ पर फिर हमारा इस तरीके से घुमा देते हो ऊपर भी ये वाली तो हमारी टेंशन में इनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई होंगी ऐसे और ये कंप्रेशन में होंगी इनको हैंगिंग भी बोलते हैं क्यों क्योंकि नहीं भी ज़रूरत है तो फिर क्या करते हैं ये हम प्रोवाइड करते हैं इनको होल्ड करने के लिए ठीक है तो ये जो स्टीरअप्स हुई है अब देखिए यहाँ पर एक ये है और एक ये दो लेग हुए तो इसको टू लेग बोलेंगे और कहीं कहीं पे तो ऐसे प्रोवाइड करा देते हैं तो इसको वन लेग बोलते हैं ठीक है तो ये जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं देखिए ऐसे दिखती होंगी आपको वो कितनी प्रोवाइड कराओगे मिनिमम तो उसके देखिए आपकी एफ वाई ये ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा है ठीक है कि कितना आप प्रोवाइड करा सकते हो वी तो वीट तो हो बीम और एस वी क्या है यहां पर आपकी जो स्पेसिंग रहेगी ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि मिनिमम जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे नहीं डिपेंड कर रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ द स्टीरअप रेनफोर्समेंट जो होती है ठीक है उस पर डिपेंड कर रहा है विच सेल नॉट वी टेक एन ग्रेटर देन फोर वन फाइव न्यूटन पर एम स्क्वायर ठीक है तो ये चीज हो गई तो आपकी जो मिनिमम रहेगी यहाँ पर ए एस बी क्या टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लेक्स इफेक्टिव इन सेयर जो लेग्स हमने बात की है इस तरीके से ये प्रोवाइड किए हैं ठीक है तो अगर एक ही लेग प्रोवाइड करोगे तो वन लेग होता है जब टू बन जाए तो टू इसी तरीके से हमारा और भी बनता है ऐसे थ्री लेग फोर लेग ठीक है तो इस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं एस वी क्या इस फार्मूले में स्टीर स्पेसिंग एलोंग द लेंथ ऑफ द मेम्बर होती है विथ्थ ऑफ द बीम होती है तो विथ ऑफ बीम अगर कोई फ्लेंज बीम है तो वो बेब की रखी जाएगी करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील ऑफ एनफोर्समेंट होती है उसी पे डिपेंड करता है हमारी कितनी मिनिमम आप प्रोवाइड करा सकते हो ठीक है तो एव प्रोविजन इज नॉट अप्लीकेबल फॉर मेंबर ऑफ माइनर स्ट्रक्चर सच सचै लिंटल अच्छा अब ये जो मिनिमम इन्फोर्समेंट है कुछ जगह नहीं प्रोवाइड करा सकते ये बीम के लिए ठीक है जैसे लिंटल हम प्रोवाइड कराते हैं ठीक है उनके लिए नहीं हमारा वैलिड है समझ गए कैलकुलेटेड एज दैट हाफ ऑफ द परमिबल तो मिनिमम सीयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइडेड एज फॉलोज

एट 45 डिग्री ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मेंबर में स्पेसिंग है वो मैक्सिमम आप स्पेसिंग जो है आपकी ठीक है वो 0.75 डी से ज्यादा नहीं प्रोवाइड करा सकते हो जब वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड करा रहे हैं। और डी से ज्यादा प्रोवाइड नहीं करा सकते हो जब इंक्लाइन स्टीरअस प्रोवाइड करा रहे ये हमारा कोड कहता ये ध्यान रखने वाली बात आपकी है ठीक है तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कैसे होता है बताएंगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में तो ये ध्यान रखिएगा दो पॉइंट्स कि जो हमारी सीयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं उसमें जो स्पेसिंग होती है तो स्पेसिंग मैक्सिमम कितनी प्रोवाइड करा सकते हो वो आपको बताएगी कि अगर वर्टिकल स्टीर प्रोवाइड करा रहे हो तो जीरो डी अगर इंक्लाइन करा रहे हो तब डी ठीक है एट फोर्टी डिग्री पर जब इंक्लाइन होगा समझ गए हो ओके तो नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे इसके बारे में ओके क्लास थैंक यू